कांग्रेस पार्टी ने रोजगार संघर्ष यात्रा निकाली। रघुवीर सिंह बाली की अगुवाई में इस विशाल रैली को कांगड़ा से आगाज इसका किया गया और नूरपुर में इसका समापन हुआ। आरएस बाली की रोजगार संघर्ष यात्रा में हजारों का जनसैलाब उमड़ा। प्रदेश में आरएस बाली के समर्थन में बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे। लगभग 5000 लोगों ने कांगड़ा और चंबा जिला में आरएस बाली के साथ मार्च किया। आइए इस यात्रा के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। कांग्रेस की जो संघर्ष यात्रा निकाली गई है, इसमें चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस ने 5 लाख नौकरियां और 680 करोड़ के जो है फंड देने की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी दर को देखते हुए 5000 से अधिक लोगों को बेरोजगारी जो दर है उसको समाप्त करके रोजगार देने की मांग की जो है घोषणा की गई है। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने वर्तमान भाजपा सरकार से युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करने के भी आरोप लगाए हैं और खिलवाड़ बंद करने को कहा गया है। चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस ने 5 लाख नौकरियां और 680 करोड़ स्टार्टअप फंड का वादा किया है। कांग्रेस ने जो संघर्ष यात्रा निकाली है, इसके ये जो कुछ मुख्य बिंदु हैं, प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी दर को देखते हुए 5000 से अधिक लोगों ने बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा खोला है। सड़कों पर हजारों लोग उतरे हैं। AICC सचिव के नेतृत्व में 4 दिवसीय यात्रा को कांगड़ा और चंबा जिला में भारी समर्थन मिला। आरएस बाली की अगुवाई में ये कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने वर्तमान भाजपा सरकार से युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के जो आरोप लगाए हैं और कहा गया है कि इस तरह का खिलवाड़ युवाओं के साथ ना किया जाए। में हजारों लोग नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग पंचायतों के, इससे पता लगता है कि राहुल गांधी जी के साथ, कांग्रेस की नीति के साथ, अजय महाजन जी के साथ नूरपुर के भूतपूर्व जनता, नूरपुर का बेरोजगार रोजगार आगे मांगने के लिए, विकास करवाने के लिए, कि आगे जाके हमें एक द्वारा से वही ऐतिहासिक जो इन्होंने रात दिन प्रयत्न किया था नूरपुर को आगे पहुंचाने का, उसी तरफ लेके जाना है। और राहुल गांधी जी की सोच को रोजगार के लिए, और राहुल गांधी जी की सोच को देश के लिए, राहुल गांधी जी की सोच को हर एक इंसान जो कि जरूरतमंद है उसके लिए मजबूत करने के लिए हम सभी कांग्रेसी इकट्ठे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं, राहुल गांधी जी का समर्थन करते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के हम लोग चल रहे हैं। हम रात दिन चलेंगे, उनको मजबूत करेंगे।